बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सर्टिफिकेट डिजाइन सिंपल किस तरह से बनेगा और अच्छा अट्रैक्टिव सा, तो ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और वर्ड को ओपन करेंगे, इस तरह का एक सिंपल सा अगर हम डिजाइन क्रिएट करें और अच्छा सा उस पर टैक्स वगैरह अप्रिसिएशन का या पैसा अवार्ड के हवाले से, तो ये किस तरह से बनेगा ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू लेआउट ओरिएंटेशन में लैंडस्केप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स के अंदर से यहाँ पर आपको ये वाला शेप मैं यूज कर रहा हूँ एरो पेंटागन, और इसको हमें करना है ड्रॉ। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इस तरह से होगा, इसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है, रोटेट ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, जब शेप ड्रॉ करेंगे इस पे क्लिक शेप फॉर्मेट में तो रोटेट राइट 90, फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके सामने। इसके ऊपर आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे शेप्स को, शेप्स को बड़ा करने के बाद सिंपल सा ये आपको इस तरह से रखना है और इसको हम ले जाएंगे ऊपर टॉप में, ठीक है जी। टॉप में ले जाने के बाद जब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे तो यहां पर हमें इसकी कॉपी भी चाहिए, ठीक है। कॉपी के लिए हम एक और इसकी कॉपी ले लेंगे और फर्स्ट वाला जो आ रहा है इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से सेट, और फिर सेकंड वाला जो आ रहा है ये इसके जो येलो पॉइंट बने हुए आ रहे हैं येलो वाले पॉइंट से इसको थोड़ा सा नीचे शेप को चेंज करेंगे, फिर इस वाले को क्लिक करके कलर इसमें शेप फिल से रेड ले लें, डार्क ले लें, ब्लैक ले लें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कलर अपना फिल कर लें। मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी शेप आउटलाइन 9, और फिर इस वाले कलर को मैं यहाँ से इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ और इसका कलर हम थोड़ा सा ये वाला स्टाइल ले लेते हैं लाइट येलो, ठीक है जी, लाइट येलो। और इसका जो शेप आउटलाइन है वो मैं नो कर रहा हूं, या इसका कलर जो है अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर एक और इसी की कॉपी लेंगे ब्लैक वाले पार्ट की, और इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा और इसको येलो पॉइंट से थोड़ा शेप को नीचे शिफ्ट करेंगे, और फिर ये भी इसी जगह पे सेट करेंगे। राइट क्लिक, ऑर्डर में जाएंगे, सेंड टू बैक, और इसमें कलर शेप फिल से जाके ये वाला ले लेते हैं, और इसमें ग्रेडियंट शेड बनाने हैं हमें, लाइट येलो मैंने सेलेक्ट करा है। आप कोई भी कलर अपना बनाना चाह रहे हैं मोर कलर ऑप्शन से जाकर यहाँ से इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे ऑलरेडी यहाँ बने हुए थे तो इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट पिक कर लिया, ये हमारा लाइट येलो और ये वाला ऑप्शन आ रहा है 10, तो इसको ग्रेडियंट में लाने के लिए मोर ग्रेडियंट इसमें से टू कलर, टू कलर में जाकर दोनों को शेड में हमें लेना है, तो हम इस तरह से यूज कर लेंगे इसको, ठीक है जी। ये बन गया, अब आपका कलर करेक्शन जो भी आपको चाहिए वो आप अपना और अच्छा बेहतर रख लें। और ये काम करने के बाद अब एक बैज होता है, बैज जो राउंड लोगो सा लगा हुआ होता है पैसे वाट के हवाले से, तो नेट से भी हम उठा सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, वैसे अवार्ड हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस इस तरह से। तो पिक्चर फॉर्मेट इंसर्ट से जाएंगे, यहाँ से हम इसको पिक्चर ऑप्शन से ऐड करेंगे जी, बो हो गया, रिबिन हो गई, इस तरह के बैच के ऑप्शन आप ऐड कर लें। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसको फ्रंट पे लाने के लिए फ्रंट ऑफ टेक्स, और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसका जो हल्का सा राइट बैकग्राउंड है पिक्चर फॉर्मेट में कलर ऑप्शन सेट ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शन, और इस पे आई ड्रॉपर आएगा, इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसमें आप ईयर लिख सकते हैं 2021 2022, जो भी ईयर के हवाले से होगा, या बेस्ट अवार्ड 2021 या 2024 वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है जी। अब मैं सिर्फ ईयर लिख रहा हूँ, बेस्ट अवार्ड वगैरह इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स शेप आउट 9 आउट 9 9, ठीक है जी। ये ईयर मेंशन कर लिए हमने, अब इसमें बेस्ट अवार्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी लिखने का काम होगा टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टाइप करेंगे इसको। ठीक है जी, इसका भी शेप आउटलाइन फिल वगैरह यहाँ से आप चेंज कर लें, बेस्ट अवार्ड
एरो से फिर आप इसको सेट कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है शेप्स में जाके, और यहाँ पे हम नेम, सरनेम, जो भी नेम होगा इसको आप टाइप करें, और यहाँ पर हम नेम का ऑप्शन ऐड करेंगे इसमें, और यहाँ से होम में जाएंगे। अब इसमें टैक्स वगैरह जितना भी आपको अपने हिसाब से चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। आउटलाइन इसमें शेप फिल, आउटलाइन नो, ठीक है जी। और एक और टेक्स्ट बॉक्स से लेते हैं, यहां मैंने टाइप कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस, ठीक है जी। इसके साथ ये आ गया नेम का ऑप्शन, और इसके साथ डेट, अवार्ड, सिग्नेचर, ये सारे ऑप्शन ऐड करने हैं हमें। तो यहां पर हम एक और बॉक्स से लेते हैं, ठीक है जी, डेट ऑप्शन, और इसके साथ कॉलन शिफ्ट अंडर स्कोर सिग्नेचर के लिए डेट ऑप्शन ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बॉक्स को हम राइट मूव कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, शेप फिल नो, आउटलाइन नो, फील्ड के हवाले से कुछ लिखना है तो यहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, फोर आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, इन मैंने शॉर्ट करके छोड़ दिया, जो फील्ड होगी वो आप इधर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। शेप फिल नो, आउटलाइन नो, नेम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये इनके साथ जो इनकी फील्ड होगी कैटेगरी की वो आप इसमें ऐड करेंगे। बॉक्सेस को हम थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लेते हैं, और ये बैस अवार्ड का स्लोगन इसको इस तरह से रखना, ईयर वगैरह ये भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह के बैच जो होते हैं ईयर के साथ लिखे हुए होते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो और चीजें इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, जो एक डिजाइन मैंने स्टार्ट में दिखाया था वो बनाने का तरीका, फाइनल उसमें टैक्स वगैरह जो अपना आपको ऐड करना है वो आप इधर टाइप करें, मजीद शेप में चेंज वगैरह करना है, कलर थीम्स वगैरह और अच्छी करके बनाए, तो इस तरह का एक डिजाइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।